लगातार हम आपसे बात कर रहे थे, आप अपनी बात पूरी कीजिए। स्वास्थ्य मंत्री संसद में कहते हैं कि इस देश में ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं। साहब, इससे बड़ा लिखित झूठ कहीं हो सकता है? सारी दुनिया ने देखा है, सबने देखा है कि लोग कैसे मरे। ये ऐसी सरकार है जिसने पीपी और वेंटिलेटर में भी घोटाला कर दिया। उस समय आपदा में अवसर खोजने में ये महारत हासिल करते हैं। मोदी जी के पास देश का विकास का जो रोड मैप तैयार है वो सिर्फ जुमलों पे तैयार है। अब की इन्होंने एक नारा दिया था 2014 में, अब की बहुत हुई मार, अब की बार मोदी सरकार। क्यों नहीं महंगाई पे बात करते हो आप लोग? क्यों नहीं महंगाई पे ट्वीट करते हो? क्यों नहीं महंगाई कम करने की बात करते हो? गरीबों की थाली से निवाला तक छीन लिया इन लोगों ने। पूर्वांचल की बात करने, फतेह करने की बात करते हैं साहब, लोगों के लिए रोटी महंगी हो गई है, सरसों का तेल महंगा हो गया है, और अभी बड़े आंकड़े दे देंगे ये लोग। आज डीजल 97 रुपए है बनारस में, मैं बनारस का आंकड़ा आपको दे रहा हूँ जी। क्या ये कहाँ था ये? 100 रुपए से ऊपर ले जाओगे तब जनता के त्राहिमाम त्राहिमाम करेगी, तब आप लोग ये जवाब दोगे? साहब, मध्यम वर्ग की कमर टूट गई है। जिन टैक्स पेयर्स के पैसे से ये लोग होर्डिंग लगाते हैं, ये लोग जुमले फेंकते हैं, तो इस सरकार से उत्तर प्रदेश की जनता जवाब मांग रही है। अभी इन्होंने कहा ना, ख्याल देखने को अच्छा है गालिब, इनको 22 में बहुमत दिख रहा है, जनता इनको कैसे देगी जवाब? अभी इनके जन आशीर्वाद यात्रा में इनके सांसद और विधायकों को जो आशीर्वाद मिला है सबने देखा है, मीडिया चैनलों ने भी देखा है। ठीक है सर, ठीक तो है ये अभी भी समझ जाए जी।